तो अभी हम आए मम्मी के लिए पर्स देखने के लिए, मम्मी का बर्थडे गिफ्ट। तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप सो यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो अभी मैं मम्मी के साथ जसूर में हूँ, शाम के 4 बज रहे हैं और अभी हम मौसी घर से आ रहे हैं। तो पूरा दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं करा, अभी व्लॉग स्टार्ट करने लगा हूँ। तो मम्मा को लेके देना था पर्स, मैंने काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, तो एक तरह का ये बर्थडे गिफ्ट भी हो जाएगा। पहली शॉप में गए, वहाँ मम्मी को पसंद नहीं आया, तो अब नेक्स्ट शॉप पे देखते हैं। तो नेक्स्ट शॉप पे चलते हैं, वहाँ चले नूरपुर वाली शॉप में, नूरपुर वाली शॉप में चले। तो जसूर के बाद अभी हम नूरपुर में आ गए, तो इस वाली शॉप में देखते हैं। मम्मा तो चले गए अंदर। तो ये वाला है मम्मी को पसंद, यहाँ पे इतने सारे वॉलेट में से कितना, 1100। फिर भी पहले जाने 1100 भी बताया इसका, पहले बताया बाद में बताया। तो कुछ ये सामान हमने यहाँ से ले लिया, मम्मी का पर्स है, एक लोशन पॉन्ड्स का, और ये थोड़ा सा मम्मी का सामान। तो लो जी, मम्मी की मत शॉपिंग होगी आज, तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है, कितने दिन के बाद पर्स दिया। तो बाइक का साइड स्टैंड देखना कितना ज़्यादा टेढ़ा है, बिल्कुल टेढ़ी सी लगी हुई है बाइक। तो अभी हम जा रहे थे, मम्मी को रास्ते में ना यहाँ से कोई सूट पसंद आ गया, तो मम्मी इसको देखने अंदर चले गए। तो अभी यहाँ पे मम्मी सूट सेलेक्ट कर रहे हैं, आज तो मज़े लगे हैं। मम्मी को एक्चुअली ये वाला प्रिंट बड़ा पसंद आया कपड़ों का ना, बाहर से देख के, तो ये डिज़ाइन देख रहे हैं अभी। और अब हम आ गए इनकी दुकान के पीछे, यहाँ तो काफ़ी कमाल का उन्होंने स्टोर बनाया हुआ है, और पूरा पुराने ज़माने वाला है ना, पुराने ज़माने का मेरे ख्याल से घर ही है ये, तो उस हिसाब से इन्होंने पूरा स्टोर बना लिया अब इसको। हाँ, कपड़ा अच्छा होता है, यहीं से लिया करो फिर। बाकी देखो पूरा पुराना पुराना सा ना ये घर, यहाँ अंदर है, इसके पीछे एक और दुकान है, मतलब मेरे ख्याल से पहले रहते होंगे यहाँ पे कोई। ओ घर आवाज रहा पे चले उड़ाई के बाहर मार देना, सही गल है, किसी समझदार नहीं बनानी, फिर भी लगा पता नहीं कर पोसे जा नहीं इन्नी, मुझे तो किससे दिन तेरी बढ़िया की किता बननी तोड़ी जे दंदर नहीं कहता, तेरी मम्मी लाई क्या मेरी गंदा गुस्सा नहीं कीता, मैं सी देवी मानना आज का जानी गुस्सा भैया समझदार है, बीच समझ गई गलती हो गई सर को। हां यार 2000 था सूट, चेहरे तो रौनक नहीं आ रही, नकली मार ना, नींद ना चैन ना, राम राम ले ए चुपरी पाला सूट मुड़ा कर खाना गवा, जब मुड़ा फंक्शन आएगा ना मैं परी बनाऊंगा ते इदी तेरी मुंह ते हाल दौड़ना, फिर मेरा नाम बता दिया, चलो ना कपड़े लेने इथो मैं जाना रहने इथे, मां पे वाला पुंडी ये ते मेरा नाम बता दी, इदी मेरा वादा रिया तेरे करने, ये शिव जी मारा मौका देगा इतना तो मस्त है यहां पे नहीं पुत्र, कपड़े क्वालिटी होनी चाहिए, किसान तेरे को लाई नहीं सारे सारे दिखिए दिखिए आई ना पे चेहरे राड़ी आ गई। अंकल जी यहाँ पे मस्त है, मस्त कॉमेडी करे जा रहे हैं अपने, उसमें डाले जा रहे हैं मम्मी को कि नहीं ये ही ले, ये सस्ते हैं जो महंगे सूट आते हैं वो बेकार के होते हैं। और एक बात तो अंकल ने सही कही है कि तेरी मम्मी है जो गुस्सा नहीं कर रही है, मम्मी की पता नहीं क्या आदत है कि मम्मी को कोई कुछ भी बोलते मम्मी गुस्सा नहीं करते। अभी हम रास्ते में आ रहे थे एक्चुअली, तो एक शराबी था, तो वो एकदम बाइक के आगे आ गया, हम तो हम साइड से निकल गए, तो उसने कुछ गाली निकाली होगी गंदी सी, मैंने तो सुन ली, मैंने मम्मी को कहा कि मैं रोकूँ बाइक जाऊँ, मम्मी कह रहे अच्छा पागल ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, हंस के कह रहे हैं, तो पता नहीं क्या है मम्मी को ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों मम्मी, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, मैं ऐसी हूँ शुरू से, मैं तो गुस्सा क्यों नहीं करना कोई, जितना मर्जी बुरा बोले जाए और क्या, फिर भी बोलते कोई गुस्सा आता ही नहीं आपको। अंकल भी यही कह रहे थे कि मैं देवी मानता, तेरी मम्मा जरा गुस्सा नहीं कर रही, इतना कुछ बोल रहा हूँ मैं, फिर भी गुस्सा ही जाता है मेरे को नहीं। आप इग्नोर ही कर देते हो कितने देर के अंदर अंदर, कोई बोलता है तो बोलते, लेडीज का ये बहुत होता है कि एक चीज देखने आएंगे लेकिन पूरी की पूरी दुकान छान के जाएंगे। तो बाकी कौन कौन जाता है अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने, स्पेशली अपनी मम्मी के साथ जो इतना ज्यादा टाइम लगाते हैं, जरूर कमेंट करके बताना वो भी। लो जी घर पे पहुंच चुके हैं और अपना तिरंगा मस्त लहरा रहा है यहाँ पे, मस्त लग रहा है यार, और दूर से तो काफी कमाल का लग रहा था। तो घर पे भी पहुंच गए, मम्मी तो चले गए अंदर, चाबी चाहे पापा साथ में ना लेके गए हूँ, मम्मी चाबी भी ले आए नहीं जल्दी से, वाह क्या बात है, आज व्लॉग बड़ी लेट बना हुआ है मम्मी, कुछ भी नहीं है डालने के लिए, अब आपको कंटेंट देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, कॉन्टेक्ट नहीं कंटेंट बोल बोल के, मतलब कुछ सामान देना पड़ेगा, कंटेंट मतलब कुछ बोलना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बढ़िया लग रहा है तिरंगा, और बादल पूरे ब्लैक हो गए हैं जैसे घर पे आए, देखा कितना कमाल का और कितना डेंजरस सा लग रहा है मौसम, वैसे है तो धूप लेकिन वहाँ से ब्लैक है ना, और वहाँ से बारिश होते होते आएगी यहाँ पे, इतना देखना वहाँ पे पूरा खतरनाक हो गया, पूरी बारिश वाला माहौल, क्योंकि अब 6 बजने वाले बाहर जाना है ना, क्योंकि 6 बजने वाले अब बाहर जाना, सभी को पता है तो बारिश तो ऑब्वियस बात है होगी होगी। मम्मी को देखना आते पूरा पहन के चेक कर रहे हैं कैसा, मेरे को लगता है कैसा, अब शीशे के आगे जाएंगे मेरे को पक्का पता है, धीरे धीरे अच्छा ये तो मैंने बोला तो नहीं जा रहे ए, वैसे मेरे को पता था, अब पूरा चेक करेंगे वहां जाके कि कैसा लग रहा है, बस जो आपने वो लिए ना बिंदी और लिपस्टिक वो भी लगा के देख लो, वाह क्या बात है, क्या खूबसूरती है बड़ी। मम्मी मम्मी यहाँ खड़े होके लगा रहे हैं, ये किचन में खड़े होके, यहाँ से लाइट आती है ना खिड़की से, पहली बार ली इतनी महंगी लिपस्टिक, पहली बार ली इतनी महंगी लिपस्टिक, ये 250 रुपए की लिपस्टिक है, मम्मी खुश हो रहे हैं कि पहली बार ली इतनी महंगी। तो गाइस मैं वीडियो वगैरह अपलोड कर रहा था और यहाँ पे नेटवर्क की अब इतनी ज्यादा दिक्कत आने लग पड़ी है, वीडियो भी अपलोड नहीं हो रही, बाहर भी नहीं हो रही, तो अभी मैं ऊपर जाऊंगा 1 किलोमीटर दूर जहाँ पे अभिषेक वगैरह के घर है, तो वहाँ पे नेटवर्क सही आता है, तो वो भी वहीं पे है,
तो वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ जाके वीडियो अपलोड करूंगा मैं। ये जो लड़का है इतना ज्यादा विल है, इतना विल है। पहले ये वहाँ खड़ा था अभिषेक के पास, अभिषेक कहीं काम पे गया, अब ये घर जा रहा था मेरे को देख के, मेरे को देख के फिर वापस आ गया। ट्यूशन थी, कहाँ थी ट्यूशन? राजीव भैया के पास। फिर तो अभिषेक के पास खड़ा था मेरी दुकान पहले, मतलब खड़ा था, फिर मैं ट्यूशन जाने लगा, फिर वो बोलते कि कल आना। अच्छा, मेरा दिन बन गया, फिर मैं जा रहा था, फिर मेरे को देखा कि ये कौन आया पीछे घूम के, फिर यहाँ पे आ गया। घर में भी क्या करना, चल बैठ जा फिर। कांग्रेचुलेशन, जीत गया लड़का। अरे आपने बोला था कि नहीं जीतेगा, जबरदस्ती जीत गया, जबरदस्ती ब्रो, जबरदस्ती। ये देखो भाई, ये ट्रॉफी बोलते हैं इसको, ट्रॉफी तो है पर जीता कैसे ये बता ना। तो फाइनल में टॉस हो गया, टॉस हो गया ना तो जीता, अदरवाइज किस्मत। तो अभी हम यहाँ पे आ गए और इस जगह को हम बोलते हैं कि पुली, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी पुली पड़ी हुई है ना ये बैठने के लिए, तो यहाँ पे बैठते हैं। और यहाँ पे नेटवर्क बहुत कमाल का आता है, तो इस लोकेशन पे आ गए और नीचे खड्डे हमारी, हाँ ऊपर और ज्यादा तेज आता है, लेकिन यहाँ पे भी ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर लेता हूँ मैं, टाइम पास करने के लिए मिल गया साथ में साथी। यहाँ पे देखना खड्डे में एक पुल पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, जो पुल के ऊपर से जाने के लिए रास्ता नहीं है, लोग देखना कैसे क्रॉस करके जा रहे हैं नीचे से, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी नहीं है पुल के ऊपर। जूम किया मैंने, फुल जूम करा है बस। तो वहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे सीढ़ियाँ लगी नहीं है एक्चुअली पुल के ऊपर जाने के लिए ना, लोगों को फिर भी नीचे से जाना पड़ता है। तो क्या फ़ायदा इस पुल बनाने का, अगर लोग देखना वहीं से जा रहे हैं, अगर पानी आ जाए तो क्रॉस भी नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट सीढ़ियाँ होनी चाहिए थी, और इसके पिलर भी थोड़े ऐसे ही है ना, कच्चे कच्चे से निकलने वाले हैं ये भी थोड़े टाइम में, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, एक ज़ोर से पानी आया ना, झटका लगा पानी का, निकल जाएंगे सारे। ये इतनी इन्वेस्टमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं होता ना, अगर चीज़ सही ना बने तो। लोग देखना नीचे से जा रहे हैं, आपको हल्के हल्के से दिख रहे होंगे वहाँ पे, ये एक ये एक ये, ऊपर से तो है ही नहीं रास्ता। तो गाइज़ बाहर से मैं घर पे आ गया था, और ये लोशन है एक जो लेके आया था आज, एक पिंक कलर का था, ये रेड वाला साथ में फ्री मिला था ना उसके, तो ये मैं नेहा को दिखाऊंगा अभी, देखना कैसे चिढ़ेगी वो ये वाला देख के, रेड वाला ना, ये भी मांगेगी कि मेरे को ये वाला दे दो। तो उसको वीडियो कॉल करता हूँ मैं, देखते हैं उठाती है नहीं उठाती है। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, क्या फॉर्मेलिटी कर रही हो, कैसे हैं आप? फॉर्मेलिटी क्यों, ऐसा मुझे कोई पूछते नहीं है जो कैसी है, क्या कर रही है? व्लॉग बन रहा है, व्लॉग बन रहा साथ में। हां हां, हाय गाइस, आप कब आए? मैं शाम को आया था, एक सरप्राइज भी है मेरे लिए। सरप्राइज तेरे लिए नहीं, मेरे लिए है, पर क्या है, कुछ दिखाऊं? दिखाओ। टेंट ने ये कब लिया? ये आज लेके आया मैं, ये रेड वाला है। हां दे दो ये। मुझे पता था, मैं इनको कह ही रहा था ये, मैं कहा मैं इसको ये दिखाऊंगा ना, ये कहेगी मुझे दे दो ये वाला रेड वाला। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, हम चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। अच्छा पागल है, रेड वाला दे दो यार, रेड वाला चाहिए मेरे को, बड़ा अच्छा लगता है रेड वाला। कोई चेंज नहीं होगा अब। नहीं मैं उस दिन भी कहा था, मैंने बोला था ना कि मेरे को रेड ले दो, आप कहते नहीं पिंक 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 ले ले, पिंक ले ले। तो रेड फ्री मिला है, बाहर नहीं मिलता रेड? नहीं मुझे, मेरे को फ्री में चाहिए। तो क्या फ्री में चाहिए मेरे को भी? फ्री फ्रू नहीं मिलता, फ्री बड़े पैक के साथ मिलता है। अभी तेरे को ये नहीं बताया मैंने कि बड़ा पैक लिया मैंने पिंक वाला, इसके साथ एक और है। हाँ वो बड़ा, इसके साथ फ्री मिला ये छोटा, वो आप लोग मेरे को ये दे दो। पागल हुई है? नहीं नहीं नहीं, मेरे को चाहिए ये, मेरे को एक बता यार, ये तो ना बात होती अपनी बारी। अच्छा एक बता यार, दे देना प्लीज, चेंज कर, मैं कल यार अभी डालो बैग में आज से ना। जबरदस्ती जबरदस्ती डालो, जबरदस्ती डालो। तो गाइज मैंने आपको कहा ही था ना, जैसे कि ये लालची मांगेगी मांगेगी मुझसे कि मुझे दे देना एक बार जो भी है आपके पास। आपको पता है कि इस लालची को ये चीज पसंद है, फिर मुझे आप दे देते, मैं बोल रही हूं दे दे। नहीं ये तो कुछ चिढ़ाने के लिए दिखाया मैंने। तो गाइज अभी हम करने लगे हैं डिनर, तो आज इस वाले रूम में कर रहे हैं, पापा वाले रूम में यहाँ बैठ के। मम्मी तो मेरे ख्याल से खाएंगे नहीं खाना, है ना, मैं और पापा खाएंगे अभी यहाँ पे बैठ के खाना। और खाने में यहाँ बना हुआ है, दाल है, चने की, चावल है और खट्टा है। खट्टा वाले धाम वाला लग रहा है, धाम वाला है, आप नहीं लेके आए कहीं से क्या? ये बोतल ना सरपेट में खा के नहीं, मिट्टी गया था वो मोदी बोतल भी है। कर ले बोतल का साफ नहीं किया था, पानी नहीं होना था फिर। पापा हंसते, पापा पेट पहले निकल निकलता है। ए देखो पेट आगे कहता कैसे ऐसे जंप मारता है। ए वन टू थ्री। मम्मी को बस ये कि सोचते रहना बेमतलब का, अभी भी सोच में पड़े हुए, पता नहीं कौन से तो कुछ हो रहा है, सोचो कुछ हो, कुछ हो रहा है तो सोचो। काम किसने करना, उठा अपनी प्लेट और साफ कर दो। पंखा लगाओ, दूध करारा करारा, एक गिलास दूध का लाओ। करारा दूध कौन सा, जलेबी थोड़ी है, कोई करारी करके ले गया। गरम गरम दूध, उसका करारा मलाई मार के, मलाई मार के, शौकीन पूरे नवाब वाले आ गया ना। क्या दूध पीना के मलाई मार के
तो गाइस रात के 10 बज रहे हैं और एक दिक्कत आ गई थी कि मेरी जो डाटा केबल थी एप्पल वाली वो रह गई थी मौसी जी के घर पे वहीं पे, और अब डाटा भी कॉपी नहीं हो सकता था, ब्लॉग देना है मुझे सुबह जैसे मर्जी करके, तो मेरे पास केबल भी नहीं है। तो मेरा फ्रेंड है पास में, अभी उसके घर जा रहा हूँ, उसकी केबल यूज़ करके डाटा कॉपी करूँगा फ़ोन से लैपटॉप में, और फिर उसके बाद ब्लॉग वगैरह एडिट करूँगा। तो मैं व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने बाकी अभी डाटा ट्रांसफ़र कर लिया पहले वाला, लास्ट वाली क्लिप घर पे रिकॉर्ड करी, तो फिर इसको कैसे ट्रांसफ़र करूँगा, इस चक्कर में मैं फंस गया, तो मेरे को याद आया रास्ते में। तो इस व्लॉग को यहीं एंड कर देता हूँ, अभी घर जाके एडिटिंग वगैरह करूँगा, उसके बाद सो जाऊँगा। 10 बज गया ऑलरेडी, 12 बजेंगे सोते सोते। सो बाकी तो यही था व्लॉग में, आज आए वहाँ से शाम को व्लॉग स्टार्ट करा, मम्मा को पर्स लेके दे दिया जो कि काफ़ी दिनों से कह रहे थे, चलो एक तमन्ना मेरी पूरी होगी, मम्मी खुश होगी, और शॉपिंग भी होगी थोड़ी बहुत, उनके सूट वगैरह ले लिए, कुत्ते इतने ज़्यादा चिल्ला रहे हैं ना यहाँ पे। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में, गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।